फुटबॉल ट्रांसफर्स, प्रीमियर लीग बैक, लीग्स बैक एक्चुअली, यूसीएल भी थोड़े दिनों में आ ही जाएगा, और क्या खबरें आ रही हैं, क्या ताज़ा खबर है उस पर डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या है नई खबर। तो आज तो आई थिंक सबसे आज का वीडियो तो हमारा रहेगा कि हम मेसी और रोनाल्डो के ट्रांसफर न्यूज पे बात करते हैं कि क्या उनका कहां वो जा रहे हैं, और जो न्यूज निकल के आ रही है सबसे पहले कि मेसी और पीएसजी के बीच में एक वर्बल एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो जितने भी स्पेकुलेशंस थे कि मे बी ही कैन गो बैक टू बार्सिलोना, या ना सारे वो बार्सिलोना के फैंस, दे वांटेड टू सी हिम बैक एट द होम, और उनका वो एक ड्रीम था। तो और मैन सिटी के भी काफी इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि ही माइट गो टू मैन सिटी, गिवन द पेप गार्डियोला इज देयर। क्योंकि पेप गार्डियोला बार्सिलोना में उन्होंने कोच किया है, अच्छी अच्छी उनके, हाँ, तो दैट इज वाई वो भी कनेक्शन जोड़े जा रहे थे। बट वो हमेशा से मुझे इतना वो कोई ज्यादा चांस रखते नहीं थे, बिकॉज मैन सिटी ऑलरेडी हैज हालैंड एंड एवरीथिंग, दे आर बिल्डिंग देयर टीम ऑन यंग टैलेंट्स, मुझे नहीं पता थी। हाँ, लेकिन वो चलो ठीक है, वो र्यूमर्स थे, जो भी था जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है कि एक बात तो पक्की है कि मैसी कहीं नहीं जा रहे, ही स्टेइंग एट पीएसजी। तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट एज अ मेसी फैन? एज अ मेसी फैन आई वुड हैव लव्ड इफ ही हैज लेफ्ट पीएसजी, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज़ उस टीम में ना यार, मतलब उस लीग में एज सच कुछ करने को नहीं मिलता है। यू नो, आई वांटेड टू सी हिम इन प्रीमियर लीग और इन ला लीगा, वेयर ही कैन लाइक he can show what he has got. तुमने देखा पिछले दो साल में जब से वो पीएसजी में है, लग ही नहीं रहा था कि मेसी टच में, और वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या खेला है। That's what he can do in Barca, that's what he can do in any other team, any other league actually, I would say. Syria में भी चले जाते तो I would have liked that. But at this point, PSG नहीं छोड़ते उनको, because PSG is not a team which is looking for trophies and which is looking for glory in that sense. They are a money making machine kind of thing. तो उनको t-shirts बेचने से फायदा है, and at this point of time, Messi से ज़्यादा t-shirts, Mbappe से ज़्यादा t-shirts कोई नहीं बेच सकता. That's what that is about. And मुझे तो PSG, जब तक मैं फुटबॉल को फॉलो नहीं करता था, तब जब तक मेसी PSG में मूव नहीं किए थे, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि PSG कित क्या टीम है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या कुछ। तो इस लेवल पे तो, और आज मुझे उसकी उनकी हिस्ट्री मैं बताता हूं तुम्हें, जीरो चैंपियंस लीग। यस एग्जैक्टली, इतनी हिस्ट्री है उस पूरे क्लब की, बट ये भी नहीं मुझे पता था कि उस लीग की हिस्ट्री बता देता हूं तुम्हें, उस लीग से सिर्फ एक क्लब है जिसने चैंपियन लीग जीता है, दैट इज मार्सियल, एक बार बस। ये तो पता ऐसी जगह खेलना, हाँ मतलब समझ सकता हूँ, बट कोई सरप्राइज नहीं है, बट कोई सरप्राइज नहीं है जिस तरह से, मतलब हमें पता है पीएसजी किस तरह से ऑपरेट करता है, तो हमें पूरा पता था कि वो नहीं जाने देंगे अगले दो साल, तो नहीं जाने देंगे वो मेसी को उसके बाद। हाँ, इफ मेसी वांट्स ही विल लीव, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग नाउ मेसी वांट्स। मेसी अब तो अपने फ्रीली अपने मजे से खेलेंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ वो भूख बची होगी उतनी ज्यादा। होपफुली समर ट्रांसफर में निकले या कुछ हो, बट आई डोंट नो। बट हाँ, इतनी अच्छी खबर नहीं है, आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट। ओके ओके, बट मतलब ठीक है, ये तो एज ए मेसी फैन पर्सपेक्टिव आपने बोल दिया कि आपको ऑब्वियसली मतलब अंडरस्टैंडेबल कि आपको नहीं अच्छा लगा, बट एज ए पीएसजी सपोर्टर, अगर कोई पीएसजी सपोर्टर होगा तो उसको तो बुरी नहीं लगेगी। आई डोंट थिंक देयर इज अ पीएसजी सपोर्टर, देयर इज अ नेमार सपोर्टर, देयर इज अ एम्बापे सपोर्टर, देयर इज अ मेसी सपोर्टर, देयर इज नो पीएसजी सपोर्टर, बट एक क्लब का अपना लोकल फैन होता है ना। या इन फ्रांस, वही, यस यस यस, डेफिनेटली। हां, उनके लिए तो अच्छी खबर है। हाँ, जो ग्लोबल, हाँ वो आप कह सकते हो ग्लोबल फैन बेस है शायद ना इतना लाइक करे वो मेसी का, बट देन जो पीएसजी के फैन बेस है अपना, जो उनका होम फैन, बट एट द सेम टाइम मेसी ने जिस तरह से उनको उनके दिल तोड़े हैं, आर दे एक्साइटेड? आई डोंट नो, बट वही मैं आने वाला हूं उस पे कि आई थिंक जो आपने बात करी कि मेसी आफ्टर दिस वर्ल्ड कप ही हैज वन एवरीथिंग दैट इज देयर टू विन इन फुटबॉल, है ना। तो अब मैसी खेलेगा, मतलब जो उसको खेलना चाहिए, और वो वैसे ही खेलेगा कि मतलब अब मजा करना है यार फुटबॉल में, है ना। अब कुछ जीतने को रहा नहीं, यस वन एवरी, मतलब लीग्स जीत ली, चैंपियंस लीग जीत ली, बैलन डोर्स जीत लिए, क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीत लिया, कोपा अमेरिका जीत लिया, फिनाले, मतलब कुछ रहा नहीं, पर्सनल ट्रॉफीज हो या चाहे टीम ट्रॉफीज हो। अब
वो खेलेगा फ्री होके। अब इस तरह के एक फ्री होके खेलने वाले खिलाड़ी की किस तरह से उसको मैनेज करेंगे वो पीएसजी जैसी टीम में, जिसमें आपने एक वीडियो भी बनाई थी एम्बाप्पे और मेसी का पावर बैलेंस जब थोड़ा सा हो सकता है टकराव दिखे, हो सकता है ना भी दिखे, ना दैट विल डिपेंड ऑन देयर मैनेजर कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन क्या यू मीन एम्बाप्पे? हाँ no, I don't mean Mbappe, मतलब seriously, on serious, but yeah. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मेसी यहाँ पे PSG को ग्लोरी दिलवा सकते हैं, वो क्या उनको चैंपियंस लीग जितवा सकते हैं, जो रोल उन्होंने प्ले किया अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई उनसे एक्सपेक्टेशन होगी PSG के फैन पे और PSG एज ए टीम को, तो होगी कि वो उनको फाइनली वो ग्लोरी मोमेंट दे सके जो उस क्लब के पास नहीं है। मतलब इतना पुराना क्लब है लेकिन फिर भी वो एक चैंपियंस लीग तक नहीं जीता, अब इस मौके पे जब उनके पास सारे स्टार प्लेयर, मतलब आपके पास वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल विनर और गोल्डन बूट विनर आपकी टीम में है, ठीक है, एंड तो फिर इस टीम से बेटर एक्सपेक्टेड टीम तो नहीं हो सकती ना कि चैंपियंस लीग जीतने गए। ठीक है, क्लब अलग तरह से वर्क करते हैं, हाँ ऑन पेपर, ऑन पेपर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो इस टीम से बहुत अब एक्सपेक्टेशंस होंगी उनके फैन बेस को। तो क्या आपको लगता है चैंपियंस लीग जीत सकते हैं या कितना उनका दावा मजबूत लग रहा है आपको चैंपियंस लीग के लिए? टीम नहीं नहीं नहीं, पीएसजी चैंपियंस लीग जितना मुश्किल है, मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूंगा। आपने जिस तरह से कहा, मैं देखना चाहूंगा अभी कि अगर मेसी स्टे कर रहे हैं ना, I would love to see Mbappe move out of this club, come to La Liga or Premier League and win championships there. Because ab Mbappe ke paas World Cup hai, but now he has no championship in his club trophy cabinet, right? In his own trophy cabinet, there is no championship he has. So, other than Liga. तो मैं चाहूंगा कि वो वहां से मूव करें और ये लालीगा या किसी में आके दो तीन जो चैंपियनशिप्स हैं वो जीते, क्योंकि वो बहुत कैलिबर है उस प्लेयर के पास। और जिस तरह से हमने देखा वर्ल्ड कप में वन मैन आर्मी, उसने फाइनल जो मैच था उसको बचा के रखा और वो जिस तरह से खेल, तो इट अगर मेसी स्टे कर रहे हैं तो लेट्स यू मूव आउट एंड गिव अस समथिंग यार। मतलब एज अ फुटबॉल फैन आई वांट टू सी दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स डूइंग ग्रेट इन फुटबॉल, और वो पीएसजी में नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी बड़े सपोर्टर हो तुम पीएसजी के, बट तुम्हें वो फुटबॉल वहां नहीं दिखेगी जो तुम्हें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी ना यार। देखो ना, तुम ऐसी लीग में कम्पीट करोगे जिसमें 19 टीमें फिसड्डी हैं या ऐसे 17 टीमें फिसड्डी हैं, तो उसमें वो कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं आते। वो कहते हैं ना कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम, तो वो बात है तो वो ऐसे लीग में खेल के जहां तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है, मेसी के लिए समझ में आता है, ही इज एट द मतलब एंड ऑफ हिज करियर। एम्बाप्पे को करियर बनाना है डेफिनेटली, और ये एम्बाप्पे वाली बात आज से थोड़ी हो रही है, 2 साल पहले से चल रही है कि ही शुड मूव टू समवेयर एल्स, ला लीगा में चले जाएं। रियल मैड्रिड का कितना अच्छा उनके वो उस समय वाइब बनी थी कि हाँ जा सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं गए। अभी भी उनको जोड़ा जा रहा है कि प्रोबेबली आर्सेनल इज इंटरेस्टेड और मैन सिटी और मैन यूनाइटेड के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो He has all the clubs to go. वो आज हाँ बोलेंगे उनको कोई भी क्लब ले लेगा, उन्हें कोई क्लब मना नहीं करने वाला। एम्बाप्पे को कोई क्लब मना नहीं करने वाला दुनिया में, वो जिसका नाम लेंगे वो क्लब उनको वो प्रॉब्लम नहीं है। The only problem right now he has the political pressure, जो तुमने देखा फाइनल में भी जो प्रेसिडेंट आकर के क्या आई फाइंड इट वेरी मतलब ऐसा कि क्या था यार वो, मतलब तुम एक वो एडिड प्रेशर था वो एम्बाप्पे पे, मुझे लग रहा है जहां तक कि जिस तरह से वो लास्ट में कंसोल कर रहे थे उनको, और एम्बाप्पे वाज कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग दैट, ही वाज नॉट इन अ मूड टू बी कंसोल्ड और टू बी पुट ऑन कैमरा। तो मेरे को वो बहुत, और जब ये रियल मैड्रिड के साथ चल भी रहा था उनका, तो उस टाइम पे भी दिक्कत बोला था बहुत सारे लोगों ने कि प्रेसिडेंट ने कॉल करके बोला, तो इन सब छोटी मोटी चीजों में अगर प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है एक प्लेयर के लिए। बिकॉज अगर तुम्हें तुम्हारी कंट्री का प्रेसिडेंट कॉल करके बोलता है कि तुम इस क्लब में रहो, तो फिर तुम तो रहोगे यार, बहुत कम चांसेस है कि तुम उसका उसके खिलाफ जाओगे। तो ये एक बहुत गलत उस प्लेयर के साथ हो रहा है अगर ये हो रहा है सच में, तो मैं ये और जो मुझे लगा भी था वर्ल्ड कप फाइनल देख के कि नहीं कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो है कि ये लोग फालतू में प्रेशर डाल रहे हैं कि यंग टैलेंट पे, एक बहुत अच्छे प्लेयर पे जो बहुत अच्छा कर सकता है फुटबॉल में, और वो मुझे बहुत गलत लगता है। प्रोबेबली वही होगा ना कि क्योंकि वो जैसे उन्होंने फ्रांस के साथ वर्ल्ड कप जीता, तो वही होगा कि यार वो पीएसजी को एक चैंपियंस लीग दिलाएं, फ्रांस कंट्री का कोई क्लब। मैं मानता हूं वो चीज, बट एक प्रेसिडेंट के लिए ये सब चीजें सोचना मुझे नहीं लगता कि
ये इस दुनिया में ये कहीं कुछ है कि एक प्रेसिडेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरे को ये लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ इसके लिए। चलो अब आई बता डोंट मैं नो उनके क्या पॉलिटिकल पर्सनल, क्या उनके पर्सनल रिलेशन है मबाप के साथ, किस तरह से है। बाकी फ्रांस प्रेसिडेंट को आप भी जानते हो, कितने लोग उनकी सुनते हैं, कितने तो लेकिन मैसी पे आते हैं। तो अब हाँ बिल्कुल इतना अब जो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्चुअली था 2+1 ईयर का, कि 2 साल उनके खत्म हो गए थे, 1 ईयर का उनको वो था कि अगर वो करना चाहे तो, जो कि उनका वर्बल एग्रीमेंट हो गया, सैलरीज वगैरह अभी नहीं हुई है लेकिन हो जाएंगी। अब इतना तो पक्का है कि वो नहीं नहीं छोड़ के जा रहे, वो हो जाएंगी। अगर होना होता तो अभी तक वो कोई ना कोई आ गया होता कि वो कहीं जा रहे हैं। और तो अब पीएसजी में, जैसा मैंने कहा कि एक चैंपियंस लीग जीतना उनके लिए एक अभी अटमोस्ट टारगेट होगा, क्योंकि लीग वन तो उनको पता है वो तो उन्होंने जीतनी ही है, तो एंड उसमें कुछ रखा भी नहीं जीत के। सो चैंपियंस लीग में एज आई सेड अर्लियर आल्सो, तो आप कह रहे हो कि आपको नहीं उनके चांसेस लग रहे ज्यादा जीतने के। कहाँ तक पहुंचता हुआ देखने जा रहा है, राउंड ऑफ 16 में आई थिंक उनका मुकाबला बायर्न म्यूनिख से होने जा रहा है। सो डू यू थिंक कि वहीं पे खत्म होने वाला है सफर, या कुछ फाइट दे पाए। बायन बायन फिनिश कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, कोई भी फिनिश कर सकता है यार उस टीम के साथ। तुम ऐसा नहीं कह, वो कोई ऐसी टीम नहीं है, इनविंसिबल टीम नहीं है यार वो। उस टीम में कैरेक्टर नहीं है कोई, उस टीम में इंडिविजुअल हीरोज है। उस टीम का खुद का एक होता है ना, खुद का कैरेक्टर होता है। एक आर्सेनल की टीम है जैसे आप बोलो, कुछ भी है, चैंपियनशिप्स नहीं है उनके पास, बट एक कैरेक्टर है कि दे ऑलवेज फाइट, दे ऑलवेज फाइट, यस राइट। मैनचेस्टर यस यूनाइटेड ऑलवेज लुक फॉर चैंपियनशिप्स, हाँ, दैट्स व्हाई दैट फैन चेल्सी बेस, दैट्स व्हाई दैट फैन बेस आर्सेनल का हुआ, के मैन पास यूनाइटेड का हुआ। कोई बहुत ट्रॉफीज नहीं थी 2000 से पहले तक, लेकिन फिर भी दे हैड अ फैन बेस बिकॉज दे हैड अ प्लेइंग स्टाइल, द टीम हैड अ कैरेक्टर, बट पीएसजी हैज नो कैरेक्टर ऑफ इट्स ओन। तो मुझे नहीं लगता उस टीम से कुछ एक्सपेक्ट, कहीं भी पहुंच सकते हैं वो, बट जीतने का कैरेक्टर उनका नहीं है। जीत भी जाएंगे तो मतलब वो एक फ्लूक विक्ट्री होगा मेरे लिए। आई डोंट सी देम विनिंग दिस चैंपियनशिप एट ऑल। ओके, बट अगर जीतते हैं तो मैसी का रोल क्या देखते हो? इट्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पहले 2-3 मैच देखने पड़ेंगे, क्योंकि मेसी का रोल फिलहाल तो लीड करने वाला होना चाहिए, बट एक कितने लोग लीड करेंगे एक टीम को, क्योंकि नहीं, वो लीड तो एमबापे नहीं को। करते हैं, उनको तो एज ए प्ले मेकर ही खिलाते हैं वो, और वो हाँ मतलब वही कह रहा हूँ एमबापे ही ना उनके कि नंबर अभी नाइन तुम रहते हैं। एक तुम वर्ल्ड कप जिता के आए हो, लीड करके आए हो टीम में, और फिर तुम प्ले मेकर बनोगे, कैसे होंगी वो सब चीजें, कैसे कोऑर्डिनेट होंगी? क्योंकि अभी तक पीएसजी में जब वो आए थे, अभी तक उनके पास कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, उसके पास वर्ल्ड कप नहीं था, और एम्बापे के पास वर्ल्ड कप था, तो सब लोग वो कहीं ना कहीं बात आ जाती थी। अब वो चीज नहीं होगी, तो अब आप किस तरह से उनको, मैसी लगता नहीं है कि ईगो होगा, बट थोड़ा बहुत तो होगा यार। तुम इतना आप उनको उतना ज्यादा नीचे नहीं रख पाओगे जितना तुमने पहले रखा हुआ था, जितने शांति से वो प्ले मेकर का काम कर रहे थे, विंगर बन के खेल रहे थे, वो अब शायद नहीं होगा, अब इतना आसान नहीं होगा। तो ठीक है, बहुत हो गया मेसी और एम्बापे, लेट्स मूव टू अनदर गोट, लेट्स मूव टू रोनाल्डो नाउ। उनका भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आई हो जो आपको लग रहा हो, या उन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उनका सिचुएशन है, क्योंकि काफी ऐसा, मतलब अभी तक सोचा था मैंने कि क्लियर हो जाएगा, फ्री एजेंट बन के घूम रहे हैं, सही नहीं लग रहा यार क्या। बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, और चुभ रहा है यार बहुत ज्यादा। तो मैं तो अगर सही शब्द चुनूं तो लेकिन आज एक मुझे खबर मिली कहीं से उड़ती उड़ती कि एंचिलोटी ने कहा है, जो यू नो हाँ रियल मैड्रिड हाँ के साथ रियल हैं, एंड ही हैज सेड कि रोनाल्डो सऊदी लीग में एमएलएस में खत्म नहीं करेंगे अपना करियर। तो बड़े ऐसे क्रिप्टिक अब ये लैंग्वेज यूज की गई है। अब आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब है, और अब मैं उस बंदे का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन पायर्स मोर्गन ने भी कुछ इसी तरह का हिंट किया है कि इज नॉट गोइंग, मतलब कि वो एमएलएस या सऊदी लीग में शायद ना दिखें। तो जैसा आप जानते हो कि सऊदी अल नसर से उनको बहुत ज्यादा ऑफर, मतलब अगर वो उस ऑफर को ले लेते हैं तो इस समय वो हाईएस्ट पेइंग शायद पेड एथलीट हो जाएंगे इस फुटबॉल में, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कंफर्मेशन ना आना। तो और फिर एंजेलोटी और इनका इस तरह से कहना, देयर माइट बी समथिंग कुकिंग इनसाइड, उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ऐसा कुछ हो जाए। और इसलिए भी क्योंकि अगर तुम देखो, जब उन्होंने वो इंटरव्यू किया था वर्ल्ड कप से पहले, तो उस समय भी ये बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर रोनाल्डो इंटरव्यू कर रहे हैं ना अपने क्लब के अगेंस्ट, इसका मतलब है कि डील फाइनलाइज हो चुकी है किसी के साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल एनीथिंग इज पॉसिबल, आई डोंट नो, बट आप बताइए क्या क्या चल रहा है, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं।
सोर्सेज तो कुछ नहीं, बट मेरा एक बहुत मतलब मैं सोच रहा था इस बारे में, मैं थोड़ा जब न्यूज आ रही थी तो मैं सोच रहा था कि नाउ हिज वर्ल्ड कप ड्रीम इज ओवर फॉर श्योर. नाउ वर्ल्ड कप तो नहीं आ रहा उनके पास. नाउ ही हैज टू ऑप्शन. एक ऑप्शन है कि ठीक है अभी हो गया जितना कर सकते थे, पूरी कोशिश की वर्ल्ड कप लाने के भी, पूरा जोर लगाया नहीं आया. नाउ ही हैज टू बी, जब भी मेसी और रोनाल्डो की बात होगी तो दैट आर्गुमेंट विल कम. वो उन्हें कितना फर्क पड़ता है उससे नहीं पड़ता, बट दैट विल ऑलवेज बी देयर कि हाँ कि ही डज नॉट हैव अ वर्ल्ड कप. नाउ ही हैज टू ऑप्शंस, आइदर टू एक्सेप्ट दैट एंड टू गो इनटू अ स्टेज वेयर ही इज लाइक कि ठीक है अभी पैसा कमा लेते हैं, छोड़ो बहुत खेल लिया फुटबॉल, क्या करना है फुटबॉल खेल के. और दूसरा वो ये कर सकते हैं कि नहीं, I'll play football. I'll play competitive football. I don't care about all of this. I'll play till the time I can play. I'll play the competitive football till the day I can play. और उसके बाद वहीं पे खत्म करूँगा मैं. रोनाल्डो की जिस तरह की पर्सनालिटी है, जिस तरह से हमने उनको देखा है, I will say that he will take the second road. He would not go for money. He would not play in a club like Al Nassr और वहां से retire होना चाहेंगे, जो कि उनकी जो legacy है उसको और खराब करेगी. जो इतने ज्यादा उनके चाहने वाले हैं उनको वो बहुत ज्यादा एक demotivate करेगी. और एक as आप किसी भी player का character आप इतने दिन से देख रहे हो, 20 साल से ज्यादा हो गया रोनाल्डो को देखते हुए, he won't take that decision. ऐसा ये जो दो रुपए के जर्नलिस्ट जो बोल रहे हैं कि पैसा ले लेंगे और चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है. और अल निसार का भी मुझे तो ये तक लग रहा है कि अल निसार इज नॉट इवन इन कॉन्टेक्ट विद हिज मैनेजर्स. दे आर पुटिंग देयर ओन स्टेटमेंट्स आउट, अगर आ रही है उनकी तरफ से भी. मुझे नहीं लगता कि क्लब की तरफ से कोई प्रॉपर स्टेटमेंट आई है. ये सब सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आई डोंट थिंक दैट ही इज गोइंग टू गो टू साउथी जैसा की, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग फॉर मनी. बहुत कमा लिया यार. He'll be looking for to play football. जिस तरह से उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी जिस तरह से दिखता था कि वो खेलने के लिए बोलते थे कि मुझे खिलाओ टीम में. He was not saying कि मुझे पैसे दो. He was not saying कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो और साइड पे बेंच पे बैठ के. बहुत सारे प्लेयर्स हमने देखे हैं कि पैसा ले लेते हैं और उसके बाद बेंच पे बैठे रहते हैं. रोमानो लुकाकू देख लो, जिन्होंने इतने पैसे दिए और उसके बाद रोने लग पड़े. वो रोनाल्डो नहीं है, वो प्लेयर रोनाल्डो नहीं है. He'll fight back and he'll playing in competitive. और रियल मैड्रिड जिस तरह से आप बोल रहे हो, बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि एक वो क्लब है ना कि इतना कुछ उन्होंने क्लब को दिया है. मे बी अभी क्लब उनको दे सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट, अगर थोड़ा बहुत उनको टाइम भी देना हो तो वो क्लब दे सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है उनको अपनी टीम में खिलाना, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास टीम है. उस टीम में रोनाल्डो फिट हो जाते तो क्यों ना उनको उस टीम में रखा जाए अगर वैसा होता है तो. और वो बहुत अच्छा होगा फुटबॉल के लिए और उनके फैंस के लिए. बिल्कुल 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 सही बात है. मतलब इनफैक्ट मुझे इतना कुछ कह दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं कि एक जो बात है ना कि सऊदी जाने वाली एंड वो कैरेक्टर की, वो बात बिल्कुल सही है. आई एग्री विद दैट. क्योंकि अगर मैं उनके पुराने इंटरव्यू भी देखूं, एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा था कि आई विल नेवर फिनिश, आई विल नेवर गो टू कतर और दीज थिंग्स फॉर मनी. आई डोंट डू इट फॉर मनी. मेरे इतने बिजनेस चल रहे हैं, मैं पैसा वहां से कमा लूंगा. आई डू इट फॉर पैशन. तो वो कैरेक्टर वाली बात सही है आपकी. और कैरेक्टर उन्होंने तब भी शो किया था जब उन्होंने मैन सिटी को ठुकरा के, जस्ट फॉर सर एलेक्स फर्ग्यूसन जब मैन यूनाइटेड में आए. तो वो कैरेक्टर वाली बात सही है, पैशन वाली बात सही है, दैट कि उसके लिए कुछ, उनके लिए कुछ चीजें मीन करती हैं तो वो उसमें वो जान लगाना चाहते हैं. तो इतनी, और शायद यही रीजन है कि वो अल नसर का भी कुछ ऐसा फाइनल कंफर्मेशन नहीं आ रहा. सिर्फ उड़ती उड़ती अफवाहें हैं, सुनने में आ रहा है. और अगर वो अब, लेकिन चीज़ है कि अगर मान लो सऊदी ही वो जाते हैं अब, लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि अगर वो सऊदी जाते हैं तो उनकी लेगेसी पे कोई असर मुझे नहीं उतना पड़ता दिख रहा. क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जिन्होंने, अब इनिएस्ता भी जापान में खेल रहे हैं ना, वन ऑफ द शायद बेस्ट प्लेयर्स फॉर बार्सिलोना, बेस्ट लेगेसी फॉर बार्सिलोना. और मेसी भी शायद अपना करियर लास्ट में एमएलएस में ही शायद एंड करें, आई डोंट नो. मतलब ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स करते हैं उस तरह से, शायद ना फर्क पड़े. थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफर करूंगा बाकी. लेकिन रोनाल्डो अगर वहां जाते हैं, क्या ये हर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा. मतलब मैं, तुम्हें क्या लगता है, मैं वो अल जजीरा या जो भी उनका चैनल वो उठा के देखूंगा, मतलब साउथी लीग देखने के लिए? ऐसा नहीं होगा यार. हो सकता है कभी कोई, आई मीन कि कोई मिडिल ईस्टर्न अल जजीरा का न्यूज चैनल है, जो भी उनके स्पोर्ट्स चैनल है, मेरा मेटाफोरिकली है वो सही, कि जो भी वो, तो मैं, हमारे यहाँ तो चलते भी नहीं होंगे शायद.
तो कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, आई डोंट नो, और शायद देखेंगे। इसलिए तो वो लाना चाहते हैं रोनाल्डो को, कि वो चीजें बड़े, उनका इन्फ्लुएंस जाए सऊदी, तो इसलिए उनको लाना चाह रहा है। हाँ, और सऊदी अरेबिया का लाने का एक एक जो, और जिस तरह की वो डील आ रही है वो भी बड़ी अजीब से आ रही है कि वो 2.5-7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 2.5 साल का फॉर प्लेइंग एंड देन 5 ईयर्स एज एन एम्बेसडर फॉर सऊदी अरेबिया की, क्योंकि 2030 के लिए बिड कर रहा है सऊदी अरेबिया फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए। वो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, क्योंकि 2030 का अगर वर्ल्ड कप की बात करूँ उसमें पुर्तगाल खुद एक बिडर है और रोनाल्डो पुर्तगाल के एम्बेसडर हैं, तो वो सऊदी अरेबिया के लिए बिड करेंगे कि पुर्तगाल के लिए बिड करेंगे, मतलब ये तो बड़ी ऐसे अजीब सी सिचुएशन मेरे को लग रही है। ये सही बात आपकी, ये सिर्फ उड़ती उड़ती अफवाहें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई डील होगी तो वो प्लेइंग को लेके होगी या कुछ ऐसा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार, बहुत ही बुरा लग रहा है कि रोनाल्डो जैसा प्लेयर फ्री एजेंट है इस वक्त और कोई क्लब नहीं है जो उनको लेना चाह रहा है। सही कहा आपने कि शायद रियल मैड्रिड को उन्होंने इतना कुछ दिया तो क्लब सोच सकता है कि उनको दो, लेकिन यार जिस तरह से एंचेलोटी में रियल मैड्रिड को देख रहा हूँ, वो जिस तरह से अभी अपना क्लब बिल्ड कर रहे हैं, विनीशियस जूनियर और जो भी सारे उनके मतलब यंग प्लेयर्स हैं, तो एक वो यंग प्लेयर्स के अराउंड ही क्लब बिल्ड करना चाहते हैं। तो अराउंड क्लब को बिल्ड करना चाहते हो, बट उसमें एक्सपीरियंस भी आपको हमेशा चाहिए होता है, तो वो काम रोनाल्डो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, शायद वो टीम को चला सकते हैं। वो नहीं खेलेंगे पूरे 90 मिनट, नहीं नहीं आने को वो नहीं, कोई बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टीम में फिट नहीं हो सकते। ऑब्वियसली ही नोज रियल मैड्रिड का सिस्टम, उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, चलाया है, तो मुझे लगता है उनको कोई फिट इन करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्या वो इंटरेस्टेड है एंसेलोटी या रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है उनको लेने में, दैट इज बिगर क्वेश्चन। और लेकिन फिर अगर रियल मैड्रिड नहीं तो कहाँ, फिर इतना तो है कि रोनाल्डो ढूंढ रहे हैं कोई क्लब यूरोप में, अब जिनके साथ उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, चेल्सी के साथ या फिर बायर्न म्यूनिक या एटलेटिको मैड्रिड के साथ, एक बार फिर से कुछ मतलब उड़ता उड़ता, लेकिन मुझे नहीं। और वो इसलिए भी क्योंकि वो फिर वो हो जाएगा ना कि यार रियल मैड्रिड का हीरो हो तुम, सुन समझ रहे हो, वो फिर आप एटलेटिको, वो तो कभी होगा नहीं। हाँ, तो वो तो होगा ही नहीं, विलन बनने वाली बात हो जाती है पूरे उसके लिए। नहीं वो नहीं होगा, वो तो वही कह रहा हूँ, वो तो होगा नहीं, लेकिन जस्ट ये स्पेकुलेशंस जो आ रही हैं, तो इन सब में यार मुझे यही लगता है कि अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब जनवरी के फर्स्ट वीक में तो क्लियर हो ही जाएगा, तो वेट करने के अलावा कोई चारा है नहीं कि लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। लेकिन अगर अल नसर जाते हैं तो मतलब ठीक है, फिर गुड फॉर हिम, यही है कि फिर अब कुछ मतलब लास्ट में अगर कुछ मिला नहीं, अगर कोई क्लब आपको नहीं मिल पाया, अगर आपको नहीं मिला तो फिर ठीक है, फिर पूरे अपने करियर को कैश इन कर लो, पैसा कमा लो, और क्या किया जा सकता है जब कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन होगा, सैलरी नेगोशिएट ठीक ठाक हो जाएगी, तो आ जाएंगे वो किसी भी क्लब में, मुझे लगता है यूरोप में। और प्रॉबेबली उनका मन ये है कि अब रोनाल्डो के साथ भी थोड़ी दिक्कत है ना, उनको सिर्फ यूरोपियन क्लब में नहीं आना है, वो चाहते हैं चैंपियन लीग खेलना, क्योंकि उनके चैंपियंस लीग के रिकॉर्ड स्टेक पे हैं। अब अभी तक ही इज लाइक मिस्टर यूसीएल ना, आप यूसीएल के रिकॉर्ड्स निकाल के देखोगे तो हर जगह रोनाल्डो 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 दिखेगा। तो अभी लेकिन मैसी उनसे सिर्फ 11 गोल ही पीछे है अगर मोस्ट गोल स्कोर, तो प्रॉबेबली यार रोनाल्डो कुछ भी सोच सकता है, मतलब मैं जस्ट कह रहा हूँ कि ये चीजें हो सकती हैं, ये लेकिन वो चैंपियन लीग खेलना चाहते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू प्ले एट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ फुटबॉल की, जहाँ पे हाँ हाँ, तो वहां पे वो खेलना चाहते हैं। तो एक जो कहने की बात है, बात नहीं है कि एक 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 जोक चल रहा था कि ऐसी बात नहीं है, अल नसर में भी वो चैंपियन लीग खेल सकते हैं, बस वो एशियन चैंपियन लीग होगी। चलो, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बोल रहे हो जैसे कि वो लीग नहीं खेल सकते, ये नहीं कर सकते, अगर मतलब चैंपियंस लीग के अलावा दूसरे लीग्स नहीं खेला जाते, ये सब लोगों ने उस टाइम पे भी कहा था जब समर ट्रांसफर विंडो आया था, तो उस टाइम पे जब बहुत सारी बातें हो रही थी कि नहीं नहीं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वो यूरोपा खेल रही है, बट उन्होंने नहीं छोड़ा था। कोई माने इस बात को ना माने, मैनचेस्टर यूनाइटेड को रोनाल्डो ने नहीं छोड़ा है, टेन हग ने उनको निकाला है, जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, जिस तरह से उनको दिखाया गया कि तुम प्लेयर नहीं बचे हो, तुम्हारे बीच में कुछ नहीं रहा, उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं छोड़ा है, ठीक है। आप मैं भी बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ रोनाल्डो का, बट वो चीजें दिख रही है तुम्हें। टेन हग पता नहीं किस तरह से, उस मैं पहले भी ये चीज बोल चुका हूँ, आज दोबारा से बोल रहा हूँ, टेन हग पता नहीं किस मोड पे है, क्यों उनको लगता है कि ही इज द चैंपियनशिप मैनेजर, ही हैजंट ही हैवंट बॉट मतलब कोई ऐसा यूसीएल यूसीएल जीत के नहीं आया, होंगे अच्छे चैंपियन होंगे, बट वो प्रूव करना पड़ेगा अभी आपको, अभी आपके पास टाइम है उस चीज को प्रूव करने के लिए।
आप एक इतने बड़े प्लेयर को अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, जो कि हमें दिखा मैचेस में जिस तरह से उनको सब्स्टिट्यूट किया, जिस तरह से वो दोबलापन, कभी ये बोल देना कि मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ मैंने उनको सिर्फ इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि मैंने सोचा उनकी लेगेसी पे खराब होगा, दैट वाज टोटली से क्या था वो मुझे नहीं समझ आया, तो वो तो मेरे को नहीं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इफ रोनाल्डो वॉन्ट्स टू प्ले यूसीएल कुछ गलत नहीं है उसमें, he is a player of that caliber, he has done so much for football, he came to Manchester United for, because they asked him to come for, he could have been playing for Manchester City by now, to championship to wo to 10 saal ke liye championship unka secure tha agar wo city mein hote, to as a player ko tum itni choti choti baaton ke sath ye jo media kar raha hai ye, it's very unfortunate to see such things happening to such a great player, nahi us ye sabhi greats ke sath hota hai. इंटरव्यू भी दिया और शायद लेकिन अब वही है कि अगर अगर वो चैंपियंस लीग की नहीं खेलना, मतलब चैंपियंस लीग ना भी खेले तो अभी अगर उनको ऐसा भी क्लब चल जाए अगर, तो फिर तो आई डोंट थिंक कि उनको क्लब्स की कोई दिक्कत होगी, फिर प्रॉब्लम शायद वहां आ रही होगी जहां पे सैलरी नेगोशिएशन, अब कितने क्लब हैं जो उनको अफोर्ड कर सकते हैं और कितनी सैलरी कट रोनाल्डो लेने को तैयार हैं अपनी सैलरी में कि मैं इतनी कम सैलरी पे भी खेल लूंगा, वो सारी चीजें आ जाती हैं आड़े, तभी कह रहा हूँ कि लेट्स वेट एंड वॉच, आई होप समथिंग गुड कम्स आउट, बट इफ इट इज अल नसर देन आई विश मुंबई सिटी एफ सी एंड बेंगलुरु सिटी एफ सी ऑल द बेस्ट फॉर द चैंपियंस लीग, वो भी खेलते हैं ये एशिया वर्ल्ड चैंपियन, उनको भी मौका मिल जाएगा रोनाल्डो से खेलने, चलो हाँ दैट वुड बी ग्रेट फॉर इंडिया, व्हिच इज अ गुड थिंग, हाँ व्हिच वुड बी गुड थिंग, हाँ हाँ गुड गुड, एवरी क्लब लुक एट द ब्राइटर साइड, या ओके, और याद रखो कि उस केस में अवे एंड होम मैचेस होते हैं, तो दैट मींस ही कैन कम टू इंडिया टू प्ले, ओ यू आर बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक नाउ, ओके ठीक है, तो आई थिंक वी हैव कॉट अप ऑन दिस मेजर, अभी हमने सिर्फ मेजर दो तीन ही ट्रांसफर्स पे बात की है, विल गेट बैक टू द अदर वंस आल्सो, तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड, एंड बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू से कि कोविड दोबारा आ रहा है, प्लीज अपने मास्क निकाल लीजिए और कोविड से रिलेटेड जो भी बिहेवियर्स पहले आप जो फॉलो कर रहे थे वो फॉलो कीजिए, बी रिस्पॉन्सिबल and be safe and please subscribe to our channel and share our videos with our friends, aur agar aapko koi suggestion dena hai to please comment box pe apne suggestions dal dijiye, thank you very much, have a safe new year and merry christmas, are aaj christmas hai, okay merry christmas, oh yeah yeah sahi kaha, chalo ho 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 bye, aap bhi bol dijiye ho 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 bye, cool yeah merry christmas to everyone and bilkul hum और भी इंटरेस्टिंग जो ट्रांसफर न्यूज है उसको लेके अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड जॉ फेलिक्स, हमारे आर्सेनल में बहुत सारे नए नए ट्रांसफर, चेल्सी नेमार भी होने वाला है गाइस, चेल्सी नेमार, बिल्कुल तो बहुत सारी हॉट टॉपिक्स है अभी, ये विंटर ट्रांसफर विंडो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जो भी होगा हम लेके आएंगे, देखते रहिए, द फ्लैग इज अप, द फ्लैग इज अप.